हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं आपके लिए आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट थर्ड, ठीक है। और आज भी हम इसमें मेरे प्यार दोस्तों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम जो उससे कवर करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं। एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 550 रुपये तथा 4 वर्षों में 650 रुपये हो जाती है, ठीक है। धनराशि ज्ञात करो, यानी कि यहाँ पर आपको धनराशि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो इस टाइप क्वेश्चन में प्यार दोस्तों किस तरह से करना है आपको ये, ठीक है। एक धनराशि 3 वर्षों में जो हो रहा है, ये 3 वर्षों में हो रही है ये धनराशि 550 रुपये, ठीक है। और जी एक वर्ष में कितनी, यहाँ पर 4 वर्षों में कितनी होगी मेरे प्यार दोस्तों, 4 वर्ष में हो रही है ये 650 रुपये। तो एक वर्ष में कितनी हो रही होगी यहाँ पर, ये एक वर्ष में कितनी हो रही होगी, यहाँ से माइनस कर लो आप, यानी कि 100 रुपये हो रही होगी, ठीक है ना। 4 में 3 में माइनस कर लो बन, इसी में से ऐसे 650 में से 550 माइनस करो तो आप आ जाएगा यहाँ पर ये 100 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आ गए होगा क्या इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर धनराशि ज्ञात करनी है आपको ये। तो 3 वर्ष में ब्याज कितना होगा प्यार दोस्तों, 3 वर्षों में जो ब्याज होगा, 3 वर्ष में ब्याज, ठीक है ना, कितना होगा, 300 रुपये हो जाएगा। 3 वर्ष में ब्याज कितना होगा, 300 रुपये। 3 वर्ष में ब्याज हो रहा है आपका 300 रुपये। तो यहाँ पर धनराशि जो होगी, यानी कि आपका जो पी है प्रिंसिपल, वो कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मेरे प्यार दोस्तों प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा, ये 550 में से आपको 300 माइनस कर लूँगा आप, ठीक है ना, यानी कि 250 रुपये जो होगा आपका ये, ठीक है, प्रिंसिपल होगा। तो मेरे प्यार दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा सही से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये देखो 3 वर्ष में ब्याज आया 300 रुपये, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये 550 में से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर देखो 3 वर्षों में जो आपको राशि यहाँ पर है 550 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ को आपको 550 में 300 माइनस करो तो आप कितना जाएगा, 250 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो आप यहाँ पर ये जो फॉर्मूला यूज हुआ है ये हुआ आपका ए इक्वल टू पी प्लस का एस आई, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 वर्ष के लिए बोला था, तो आपको 550 में से माइनस करना, यानी कि आपको यहाँ पर देखो एस आई जो है गिवन यहाँ पर आपने फाइंड कर लिया है। यहाँ पर जो है देखो ये मेरे प्यार दोस्तों 3 वर्षों में राशि है, ठीक है ना, यानी कि 550 रुपये जो है ये आपका ए है और ये भी आपका ए है, ठीक है। ये 3 वर्ष का था, ये 4 वर्ष का था यहाँ पर ये, ठीक है ना। फिर हमने 1 वर्ष का निकाला, यानी कि क्या निकल जाएगा, ये आपका साधारण ब्याज निकलेगा 1 वर्ष में ब्याज, ठीक है ना। 1 वर्ष में ब्याज आ गया आपका 100 रुपये, तो 3 वर्ष में कितना जाएगा आपका, ये 300 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछता है धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, ये तो पी आपको फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पर तो ए माइनस के हो जाएगा आपका एस आई इक्वल टू पी। तो ए आपका क्या है यहाँ पर, 3 वर्ष वाला ये 550 है, ठीक है। और आपका जो एस आई आया ये 300 आया, तो आप इसमें से माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये धनराशि आ जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सामने चुका, एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए निवेश की जाती है, ठीक है। यदि यह 10% की वार्षिक दर से धनराशि 400 रुपये हो जाती है, ठीक है, लेकिन जब इसे 4% की वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है तब धनराशि कितनी होती है, यहाँ पर 200 रुपये हो जाती है। तो समय याद करना है यहाँ पर कि समय क्या था, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, नहीं तो आपको धनराशि की बने और नहीं आपको ये समय है, ठीक है ना। तो ये आपको लेट कर लेना है कुछ भी, एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए, ठीक है ना, यानी कि टी जो है आप लेट कर लेना समय, और धनराशि आप एक्स लेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इस टाइप क्वेश्चन में प्यार दोस्तों आपको ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसका यूज करना, ठीक है, निश्चित समय और जी निश्चित धनराशि के लिए, ठीक है। तो देखो ए वन अपॉन कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये 100 प्लस के आर वन टी, ए वन इंटू 100 होगा आपका यहाँ पर ये, ठीक है। या तो फिर यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल होगा, आप ये ऐसे ही रहने दीजिए, ए वन अपॉन 100 प्लस के आर वन टी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए टू अपॉन 100 प्लस का आर टू टी, ठीक है। अब ए वन क्या है मेरे प्यार दोस्तों, यह बोल रहा है यह 10% की वार्षिक दर से धनराशि कितनी हो जाती है, 400 रुपये हो जाती है, यानी कि ए वन जो है आपका 400 रुपये अपॉन 100 प्लस के आर वन कितना आपका 10% है, ठीक है। और टी कितना जाएगा आपका, ये टी ऐसे आ जाएगा इक्वल टू, और ए टू है आपका, ए टू कितना यहाँ पर, ये 200 अपॉन 100 प्लस का आर टू कितना आपका, ये 4% है, यानी कि 4 टी आ जाएगा आपका ये, ठीक है। अब आप मेरे प्यार दोस्तों देखो 20 से 20 कैंसिल कर सकते हो, 22 जा आपका 4 हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए आप यहाँ पर, तो आपका जाएगा ये 200 प्लस का 8 टी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ प्यार दोस्तों यहाँ पर, ये तो 100 प्लस का 10 टी आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है ना। 200 में से 100 माइनस होगा जब 100 रिमेन रहेगा आपका, 8 में से 10 में से 8 माइनस करोगे तो आपका 2 टी आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 25 या 10 यानी कि 50 आ गया आपका
ठीक है ना, 50 ईयर्स। तो यहाँ पर मेरे प्यार दोस्तों क्या आ गया ये, तो मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर धनराशि जो है आपकी गिवन थी यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना था समय ज्ञात करो, यानी कि समय क्या आ गया आपका यहाँ पर 50 ईयर्स आ गया है, ठीक है। अब देखिए प्यार दोस्तों, ये जो आपका ये फॉर्मूला आया है यानी कि ट्रिक है, ये आई कहाँ से है, ठीक है ना। ये देखो मैं बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखो बोल रहा है ये एक निश्चित धनराशि, ठीक है ना, यानी कि एक निश्चित धनराशि है। तो यहाँ पर प्यार दोस्तों एक निश्चित धनराशि यानी कि आप लेट कर लिए P1 = P2 = P है आपकी, ठीक है। और समय जो आपका T1 T2 = आपका यहाँ पर ये T है, सही है। अब चलिए, अब जो बोला यह 10% की वार्षिक दर से धनराशि जो है 400 रुपये हो जाती है, यानी कि A = जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था A = P1 + RT / कितना होता है आपका यहाँ पर 100, ठीक है। तो T1 तो आपका T हो जाएगा और P1 यहाँ पर जो आ गया आपका P हो गया ये, ठीक है। तो A = आ गया आपका P1 + RT / 100, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये R1 आप लिख लीजिए यहाँ पर ये, ठीक है ना, क्योंकि आपका T1 T2 जो T है और P1 = P2 = P है, यानी कि धनराशि और आपका समय तो इक्वल है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई यहाँ पर ये। अब दूसरी देखिए आप, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे प्यार दोस्तों आप जब पी फाइंड करोगे यहाँ से, तो P = आपका कितना जाएगा 100 × A / आपका आ जाएगा ये 100 × A। यहाँ पर एलसीएम वगैरह लोगे आप तो 100 + R1 T, ठीक है। यहाँ पर आ गया P, आपने क्या लेट करा था यहाँ पर, चलो P कर लो यहाँ पर, एक्स कर लेना यहाँ पर। चलिए आपका आ गया ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही मेरे प्यार दोस्तों आपको ये सेकंड इक्वेशन लानी है, ठीक है ना। तो P = सिमिलरली लिख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली P = आपका आ जाएगा 100 × यहाँ पर A1 है और जी A2 अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर 100 + R2 T, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन क्या आपको ये इक्वल कर लो यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर देखो ये आप क्या हो जाएगा, ये 100 × A1 / 100 + R1 T। मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर देखो स्पेस की जो शॉर्टेज है, तो प्लीज़ जो है अब देखो यहाँ पर इक्वल में आ जाएगा ये 100 × A2 / 100 + R2 T, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपका यहाँ पर रिमेन रहा है वो कितना आ गया यहाँ पर, तो A1 / 100 + R1 T = आ जाएगा ये A2 / 100 + R2 T, ठीक है ना। देखो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था वही फॉर्मूला आ गया, देखो ये A1 / 100 + R1 T = A2 / 100 + R2 T, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से फाइंड हुआ है, ठीक है। तो आपको जो डायरेक्ट में एग्जाम टाइम में जो करना है यूज, वो इसका करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आशीष ने 15,000 रुपये की धनराशि 12% की दर से और एक धनराशि 15% की दर से 2 वर्षों के लिए उधार ली, ठीक है ना। यानी कि 15,000 रुपये की धनराशि 12% की दर से और 15% की दर से एक धनराशि जो है इसने 2 वर्षों के लिए ली, ठीक है ना। यानी कि जो समय था दोनों का इक्वल था, उसके द्वारा कुल 9,000 रुपये ब्याज के रूप में भुगतान किए गए, तब उसने कुल कितने रुपये उधार लिए, यानी कि यहाँ पर जो एक धनराशि लिए इससे पूछ रहा है यहाँ पर कितने लिए थे इसने, ठीक है। यानी कि टोटल अमाउंट पूछ रहा है यहाँ, यानी कि यहाँ पर तो आप फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल अमाउंट का फाइंड होगा आपका जब यहाँ पर आपका ये 15% वाला जो है धनराशि यहाँ पर आप फाइंड कर लोगे आप। उसके बाद आप जो टोटल होगा आपको 15% ये 12% वाला और ये इसे आप ऐड कर लोगे, ठीक है। तो देखिए किस तरह से होगा ये, 15,000 को जो है धनराशि ले रहा था 12% की दर से, कितने समय के लिए ले रहा था ये, 2 समय के लिए, अपॉन में कितना जाएगा आपका 100, ठीक है ना। और उसके बाद प्लस का, ठीक है ना, और जो दूसरी धनराशि है इसकी एक धनराशि 15% की दर से ले रहा था ये, कितने समय के लिए, 2 समय के लिए, अपॉन में 100 = उसके द्वारा कुल 9,000 रुपये का भुगतान किया गया, यानी कि 9,000 रुपये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आप समझ गए हो, टोटल जो दे रहा है यहाँ पर ये क्या दे रहा है, टोटल ये धनराशि यहाँ पर ब्याज दे रहा है ये टोटल 9,000 रुपये का दे रहा था ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो SI = क्या होता है आपका PRT / 100 + PRT / 100, तो ये यूज हुआ यहाँ पर ये, ठीक है, आप ध्यान रखना यहाँ पर ये। अब यहाँ पर इसे आप सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 20 से वहाँ पर 20 में चले जाएंगे ये, ठीक है। और यहाँ पर 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 और आपका हो जाएगा ये 2 × 2 = 20 हो जाएगा ये आपका। तो यहाँ पर आप जो रिमेन रहा है 150 की और 24 के आप यहाँ पर गुणा करा लीजिए, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जाओ दोस्तों, देखो 150 की, ठीक है, और 12 दूनी 24 की जब आप गुणा कराओगे तो यहाँ पर आपका जाएगा ये 3600 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना, यानी 3600 आ जाएगा। प्लस का आपका यहाँ पर कितना जाएगा, ये 3x/10, ये एक्स में प्यार दोस्तों यहाँ पर आपका इक्वल टू आपका कितना जाएगा, ये 9000 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 9000। अब यहाँ पर देखो आपको ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो आप एक्स का तो आपका यहीं पर रहेगा ये 9000, और माइनस के आपका आ जाएगा ये 3600। तो 3x/10 इक्वल टू आपका कितना जाएगा यहाँ पर, ये 9000 में से जब 3600 माइनस करोगे मेरे प्यार दोस्तों, आपका रिमेन रहेगा यहाँ पर ये 5400 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 3 से आप कैंसिल कर लीजिए इसे, 3 × 3 = 3, 3 × 8 = 24, 1800 आ गया, यानी कि जो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पर ये 18000 रुपये आ गई, ठीक है ना। ये कौन सी आई थी, यहाँ पर जो ये 15% की दर से 2 वर्ष के लिए ले रहा था ये, ठीक है ना, ये आ गई। अब यहाँ पर आपको देखो टोटल पूछ रहा है उसने कुल कितने रुपए लिए थे, तो टोटल जो इसने लिए थे, टोटल धनराशि, ठीक है ना, टोटल जो अमाउंट था इसका, यहाँ टोटल अमाउंट मेरे पास टोटल रुपए आ गए यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो टोटल रुपए कितने लिए होंगे इसने, यानी कि 18000 तो आपके ये आ गए, और 15000 एक थे आपके, 15000 प्लस के 18000, यानी कि आपको हो जाएंगे ये ऐसे आ जाएंगे 2030 तो ये, ठीक है ना, 8533 यहाँ से लगे, यानी कि 33000 रुपये उसने टोटल लिए होंगे, ठीक है मेरे प्यार दोस्तों को, 33000 रुपये उसने टोटल लिए थे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, साधारण ब्याज के निश्चित दर से 3 वर्षों में 400 रुपये की धनराशि 460 रुपये हो जाती है, ठीक है ना, यानी कि जो टाइम है आपका यहाँ पर, ये पी जो है आपका यहाँ पर देखो, पी दे रखा है आपको यहाँ पर, ये प्रिंसिपल जो है आपका ये 400 रुपये है, तो अमाउंट कितना हो जाता है, ये 460 रुपये, ठीक है ना, निश्चित दर से है ये और 3 वर्षों में हो जाता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका SI आएगा मेरे प्यार दोस्तों, SI जो आएगा आपका यहाँ पर ये 60 रुपये आ गया यहाँ पर ये, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अब SI इक्वल टू क्या होता है आपका, PRT/100, यानी कि 400 × R कितना आपका यहाँ पर गिवन है, निश्चित है यहाँ पर ये, निश्चित दर से है, उस समय आपका 3/100 से आपका 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20, ठीक है। अब यहाँ पर जो आएगा आपका 4×4 = 20, 3×5 = 15, यानी कि R इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 5%, ठीक है। अब ये बोला यदि ब्याज की दर 3% कम कर दिया, अब यहाँ से आप 3% आप क्या कर सकते हो, कम कर दो, तो यानी कि आपका रिमेन जो रहेगा 2% रहेगा। अब ये बोला 3 वर्ष बाद धनराशि कितने रुपये हो जाएंगे, 3 वर्ष बाद धनराशि में जो है कितने रुपये हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे प्यार दोस्तों आपको जो फाइंड करना है यहाँ पर, यानी मेरे प्यार दोस्तों इसे कहने का मतलब यह है, जो आपकी दर आई थी वहाँ पर 3% कम कर दिया है, तो आपके आ गया ये आर कितना आ गया 2%। अब 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, यानी कि टाइम आपका क्या है, 3 वर्ष बाद जो है धनराशि कितनी होगी, यानी कि ए पूछ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना, ए इक्वल टू पी 1+KRT/100, ठीक है ना, आपको ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम टाइम में प्यार दोस्तों आपको ये फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करना, डायरेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ए आपको फाइंड करना है यहाँ पर, ये पी आप यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये पी जो आपका ये 400 रुपये है यहाँ पर, ठीक है ना, और 1+KRT यानी कि 2×3 = 600 हो जाएगा, अपॉन में आपका 100 आ चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 400, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपका जाएगा 106/100 कितना जाएगा 100, ठीक है ना, 20 से आप 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो ए इक्वल टू कितना जाएगा आपका 4×24 का 4 आंसर लगे, तो 4002 424 रुपये, तो इसकी जो धनराशि होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, 424 रुपये अमाउंट होगा इसका ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंडरी देख लीजिए मेरे प्यार दोस्तों, इसकी सेकेंडरी क्या है, ठीक है ना, जो आपको अच्छी लगे, ठीक है ना, उससे आप कर लीजिए सोल्व। अब देखो ये बोल रहा था साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्षों में 400 रुपये की धनराशि 460 रुपये हो जाती है, ठीक है ना, यानी कि 460 में से आप 400 का 9% निकाल दीजिए, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, आपका जाएगा 460 माइनस के 4×9 = 36, 10×6 = 4, 5×3 = 424 रुपये, आपका 5 सेकेंड लगे होंगे, आ गया आंसर, ठीक है ना। पर ये आपको ट्रिक जो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, सही है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट से करोगे तो वो आपका ये है, जैसे मैंने आपको ये कराया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ना ही मेरे प्यार दोस्तों आपको ये इस तरह से लिखने हैं, आपको ये कि ये पी है ए एग्जाम टाइम, ठीक है ना, आपको डायरेक्ट यूज़ करना है, ठीक है ना, डायरेक्ट जो आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, तो जिससे कि आपका जो टाइम है वो कम स्पेंड होगा, ठीक है ना। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, 1521 रुपये की धनराशि 2 भागों में इस प्रकार से उधार दी जाती है, ठीक है ना, 1521 जो है आपकी यहाँ पर ये टोटल धनराशि है, ठीक है, 1521 रुपये। अब ये 2 भागों में डिवाइड करी जाती है, ठीक है, 2 भागों में उधार दी जाती है, यानी कि 1521 की रुपये की धनराशि 2 भागों में इस प्रकार से उधार दी जाती है कि एक भाग पर 5 वर्षों में 10% की दर से ब्याज, ठीक है ना,
यानी कि जो पी वन है आपका यहाँ पर, ये पी वन जो आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये 10% की दर से, और वर्ष यहाँ पर वर्ष कितने देर का, 5 वर्ष, ठीक है ना। ये किसके इक्वल होगा आपका, पी टू के इक्वल हो जाएगा अभी ये एक भाग पर। अब जो दूसरा भाग है इस पर, ये 5 वर्षों में 8%, ठीक है ना। देखिए प्यार दोस्तों, अब दूसरे भाग पर जो था इसका 10 वर्षों में कितने दे रहा है, 8% की दर से ब्याज के बराबर है, ठीक है ना। ब्याज जो है बराबर है, इसीलिए वही से यहाँ पर आपका आया मेरे पास दोस्तों पी आर टी अपॉन 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो ब्याज आपका, ये इस तरह से कर लीजिए आप, देखो बता देता हूँ आपको। SI2 आप जब लिखोगे पी आर टी अपॉन 100 इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ये यहाँ पर आपका पी वन आर वन टी वन हो जाएगा, ये P2R2 T2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब P1 तो आपका ऐसे रिमेन रहेगा, अब R कितना आपका, ये सब वैल्यू हो जाएंगी 100 से, आपका 100 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो P1R1 T1 इक्वल टू P2R2 T2, इसी वजह से यहाँ पर ये जो है ये कंडीशन में, इस कंडीशन में जो है ये इक्वल हुआ है, क्योंकि इसका जो SI है सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा आपका ये, तो आपका यानी कि रिमेन रहा है पी वन अपॉन ये P2 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा इक्वल टू, तो 8 अपॉन ये कितना जाएगा आपका, जो P1 की मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 8 के, सही है। अब यहाँ पर तो आपको फाइंड क्या करना है, तब दोनों भाग हैं यानी कि जो धनराशि थी दो भागों में डिवाइड जो करी गई थी, ठीक है ना। टोटल धनराशि जो थी 1521 थी, तो ये पूछ रहा था। तो दोनों भाग हैं यानी कि जो आपने दो भागों में डिवाइड करी धनराशि वो क्या थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो टोटल होगा इसका, ये मेरे प्यार दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये टोटल जो होगा यहाँ पर, ये 13 हो जाएगा, 8 और 5, तो 13 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 1521 दे रखा था आपको ये धनराशि। तो यू इक्वल टू 1 यूनिट आप जब फाइंड करोगे तो आपको कितना जाएगा ये 117, 1521 को 13 से डिवाइड करोगे तो 117 आ जाएगा आपका ये, ठीक है ना। यानी कि जो P1 होगा आपका मेरे प्यार दोस्तों, P1 कितना आपका, ये 8 ही तो है, तो 8 की जो है 117 से मल्टीप्लाई कराओगे आपको, तो कितना जाएगा ये P1 जाएगा आपका 936 रुपये। ये फर्स्ट भाग आ गया आपका ये फर्स्ट, ठीक है ना। और सेकंड क्या आपका, ये यानी कि P2 में भी आपको 117 से मल्टीप्लाई करानी है, तो आपका P2 कितना जाएगा, ये इसकी जब मल्टीप्लाई कराओगे आप तो ये आ जाएगा आपका 585 रुपये, ठीक है, 585 रुपये। देखो 5 से 35 के 5 लगे 5 5 3 8 5 5, यानी कि जो P1 है आपका यहाँ पर कितना आ गया है 936 रुपये। अब सेकेंड भाग यानी कि P2 जो है आपका ये क्या आ गया है 585 रुपये, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन में प्यार दोस्तों स्ट्रिक से करिए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो प्यार दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये बोला साधारण ब्याज की 2% दर से एक धनराशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ठीक है, तब किस दर से यह धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो मैंने प्यार दोस्तों, मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, यानी कि टी इक्वल टू जो होता है आपका n-k 1/r × 100 होता है, ठीक है। या फिर आप जब R फाइंड करोगे तो आपका n-k 1/ ये आपका अपॉन में जाएगा × 100, ठीक है ना। तो इन दो चीज़ का आपका ध्यान रखना, n जो होता है ये गुना होता है। अब देखिए आप किस तरह से सॉल्व करना है आपको, ये साधारण ब्याज की 2% की दर से, यानी कि आपको t फाइंड करना है, परसेंट आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, R दे रखा है, ठीक है ना, दर दे रखी है। एक धनराशि स्वयं की 2 गुनी आती है, यानी कि 2-k 1/r कितना आपका 2% है × 100, ठीक है। 2 × 5 = 10, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 रिमेन रहेगा आपका, यानी कि 50 आ जाएगा ये, तो 50 वर्ष आ गया ये। तब किस दर से यह धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है किस दर से यह धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है ये R, तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका n-1 5 गुनी हो रही है, 5-k 1/t कितना आ गया आपका 50 × 100, ये 2 टाइम्स जाएगा आपका। ये रिमेन कितना रहा, 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 × 2, यानी कि 4×2 = 8% में ये जो है ये 5 गुना हो जाएगी, ठीक है ना। किस दर से हो जाएगी ये 5 गुना, 8% की दर से ये 5 गुना हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पास नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने चुका है, 1200 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 1632 रुपये हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखो क्या दोस्तों, ये 2 टाइप्स से होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट से आप किस तरह कर पाओगे, ठीक है। यदि ब्याज की दर 1% ज़्यादा हो तब यह धनराशि कितने रुपए हो जाएगी, ठीक है ना। अब 1200 रुपये की धनराशि आपको दे रखी साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 1632 रुपये हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि आपका जो 1632 है ये क्या आपका ये ए है, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1200, यानी कि इक्वल टू पी 1+k RT/100, आर यहाँ पर है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टाइम है आपका कितना है 4 है, यानी कि 4R/100, 2 0 से आपके
अभी नहीं होने के कैंसिल, ये 1632 यानी कि आपको यहाँ पर ये 4 से कैंसिल कर लीजिए आप, या फिर आप इसे 12 से कैंसिल कर लीजिए। देखिए 12 क्या ना 12 यानी कि 12 से जो है मेरे प्यार दोस्तों 1632 कितनी टाइम्स होगा ये कैंसिल, 136, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका रिमेन रहा है, तो यहाँ पर 12 × 12 यानी कि आपका आ जाएगा 100, 136 इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 100 होगा। आप यहाँ पर जब इसका एलसीएम लोगे तो आपका जाएगा 100 + 4R/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 136 100 में से इसे माइनस कर लेगा 136 तो इक्वल टू आ जाएगा आपका 4R, 136 में जब 100 माइनस करोगे तो आपका 36 आ जाएगा इक्वल टू 4R 4×9 36, यानी कि R जो आपका 9% आ चुका है यहाँ पर ये, ठीक है। अभी बोला यदि ब्याज की दर 1% ज़्यादा हो जाए, यानी कि जो न्यू है आपकी, ठीक है ना, रेट वो है आपकी 10% हो जाती है, यानी कि इसमें 1% ज़्यादा हो जाती है, तब यह धनराशि कितने रुपये हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि क्या पूछ रहा है ये, ए पूछ रहा है, तो ए इक्वल टू पी कितना आपका यहाँ पर 1200 रुपये है, ठीक है। ए जो है मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर ये 1200 है, ठीक है ना। तो ए इक्वल टू पी आ गया, नहीं ए इक्वल टू होता है आपका पी 1 + RT/100 वाला यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ए इक्वल टू पी जो आपका 1200 है, 1 + R, R कितना आपका यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, ठीक है। और T तो आपका 4 वर्ष था ही, तो यानी कि 40 हो जाएगा अपॉन में 100, तो A इक्वल टू जो आगा यहाँ पर ये 1200 × 140 हो जाएगा, ये अपॉन में 100 आ जाएगा, 20 से आपके 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो A इक्वल टू जाएगा आपका ये 1200 × 12 = 48 4 × 12 = 1680 रुपये जो है ये आपका अमाउंट होगा यहाँ पर ये, ठीक है ना। अब देखिए इसका सेकंड टाइप देखिए, मैं तो सेकंड टाइप आप किस तरह से करोगे, तो यहाँ पर तो देखो फर्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, यहाँ पर 4 वर्ष का जो आपका ऐसा ही आगा 1632 में से आप 1200 माइनस करोगे तो आपका रिमेन रहेगा 432 रुपये, यानी कि 1 ईयर का आपको कितना जाएगा यहाँ पर ये 4 से आप इसे कैंसिल कर लीजिए, ठीक है ना। तो 4 × 40 = 4×8 = 32 यानी कि 108 रुपये आ जाएगा आपका यहाँ पर ये, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर पहले आप यहाँ पर R% निकाल लीजिए, तो R इक्वल टू कितना जाएगा आपका ये, R इक्वल टू जो आगा आपका SI × 100 होता है आपका ये, ठीक है ना। R इक्वल टू क्या होता है, SI × 100 अपॉन में कितना जाएगा आपका ये P × R, P कितना आपका यहाँ पर ये 1200 है, ठीक है। और R को आपने यहाँ पर फाइंड करना है, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे आपके, 12 × 108 हो जाएगा, तो 8% का आ गया यहाँ पर ये 9% आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर R इक्वल टू लिख लो, R जो आ गया मेरे पास दोस्तों 9% आ गया है। अब 1% जो है ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, यानी कि ग्रोथ हो रही है 1% की, तो यहाँ पर आपका हो गया 10%, ठीक है। अब 10% में आपको पहले SI फाइंड करना, तो SI इक्वल टू कितना होता है आपका PRT, यानी कि P आपका कितना है 1200, RT कितना हो जाएगा, दर तो आपकी 10% है, और समय कितना आपका 4/40/100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि SI जो होगा आपका ये 1200 × 4,480 रुपये आ जाएगा ये। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट पूछ रहा था आपको ये, तो आपका जो आएगा 1200 + 480, ठीक है ना। यानी कि टोटल क्या आ गया ये आपका, तो आपका यानी कि टोटल जो आ गया है अमाउंट यहाँ पर 1680 रुपये आ गया है, ठीक है, 1680 आ गया है आपका। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने आ चुका है, 5 वर्षों में एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, ठीक है ना। कितने वर्षों में यह है स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर भी ये 2 टाइप्स हम करेंगे, पहले फर्स्ट ट्रिक देखिए इसकी, यहाँ फर्स्ट ट्रिक क्या है इसकी, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट ट्रिक है मेरे पास दोस्तों, T1 / होता है ये N1 - 1 इक्वल टू होता है आपका T2 / N2 - 1, इस ट्रिक का आपको यूज़ करना है, ठीक है ना। तो T1 जो आपका ये फर्स्ट वाला जो होता है यार आपका ये होता है 5 वर्षों में ये एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं की कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, इनकी 2 - 1 इक्वल टू T2 कितना आपको यहाँ पर फाइंड करना है, कितने वर्षों में यह है स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 4 - 1, ठीक है ना। तो 5/1 इक्वल टू T2 / कितना जाएगा 3, यानी कि T2 आपका जो हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे आप कितना जाएगा ये 15 ईयर, ठीक है ना। अब देखो इसकी सेकंड ट्रिक देखिए आप, सेकंड ट्रिक क्या है इसकी। तो जो सेकंड ट्रिक है मेरे प्यार दोस्तों आपके यहाँ पर ये बोल रहा है, यहाँ पर 5 वर्षों में एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 2 गुनी आ जाती है, यानी कि हमने कोई धनराशि मान ली पी है, ठीक है ना, 1 मान ली यहाँ पर ये भी, अब स्वयं की कितनी हो रही है ये धनराशि 2 गुनी हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि ये जो है आपका 2 आ गया है यहाँ पर, ठीक है ना। 5 वर्षों में एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं की कितनी होगी 2 गुनी होगी। अब ये पूछ रहे हैं कितने वर्षों में यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना, कितने वर्षों में यह स्वयं की, अब यहाँ पर पूछ रहा है कितने वर्षों में यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि जो आपका ए है यहाँ पर ये पूछ रहा है ये कितने वर्षों में होगी यहाँ पर ये, ठीक है ना।
अब यहाँ पर देखो डिफरेंस जो है मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ पर कितने का इंटरेस्ट आया आपको ये 1 से 2, यानी कि आपका जो ऐसा ही है यहाँ पर ये आ जा है 1 रुपीज़ का, ठीक है ना, 1 रुपीज़ का। और 1 से लेकर 4 तक कितना है आपका यहाँ पर ये ऐसा ही, ये आ जा 3 रुपीज़ का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो गिवन है 5 वर्षों में एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 1 रुपीज़ जो है मेरे प्यार दोस्तों हो रही है ये आपकी 5 ईयर में हो रही है, यानी कि आपकी 3 रुपीज़ जो होगी आपकी 5 × 3, ठीक है ना, यानी कि 15 ईयर में आपकी जो है ये कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। कितने वर्षों में यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, 15 वर्षों में यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने चुका है, ए ने कुछ राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी, ठीक है ना, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 90 रुपये अधिक ब्याज मिलता। उधार दी गई राशि ज्ञात करनी है यहाँ पर, जो उसने उधार दी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो अब यहाँ पर आपको किस तरीके से करना है, देखो 5 को 3 की मल्टीप्लाई करा ली, यानी कि कितने 5 से 15%, ठीक है ना, 15% कितने रुपये अधिक हो रही थी यहाँ पर, ये 90 रुपये के इक्वल हो जाएगा यहाँ का। यानी कि आप ये समझ लीजिए जो पहले साल में है, ठीक है ना, अब हर वर्ष ये 5 वर्ष के लिए, तो हर वर्ष में कितने बढ़ रही है, 3 रुपये, ठीक है ना, 3 रुपये तो बढ़ रही है ये, 3% अधिक होती है हर वर्ष में, ठीक है ना। अब सेकेंड वर्ष जो है ये फिर 3% बढ़ेगी, थर्ड वर्ष भी कितनी बढ़ेगी, 3% बढ़ेगी हर वर्ष जो है ना ये साधारण ब्याज पर। फोर्थ वर्ष भी कितनी बढ़ेगी, ये 3 वर्ष बढ़ेगी। फिफ्थ वर्ष भी कितनी बढ़ेगी, ये 3% बढ़ेगी, यानी कि टोटल कितना हो गया, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15%। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है 15% किसके इक्वल होगा, ये 90 रुपये के, ठीक है ना। यहाँ से आप 1% फाइंड कर लीजिए, तो 90/15 यानी कि 15 × 90, 1% जो आपका ये 6 आ गया, यानी कि 100% कितना आएगा आपका, ये 600 रुपये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो उधार दी गई राशि थी वो कितनी थी यहाँ पर, ये 600 रुपये थी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साधारण ब्याज की 3% की दर से 1250 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज कितना है, 1400 रुपये की धनराशि के साधारण ब्याज से 45 रुपये कम है, ठीक है ना। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है, साधारण ब्याज की 3% की दर से 1250 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज, ठीक है ना, 1400 रुपये की धनराशि के साधारण ब्याज से 45 रुपये कम है, तब समय ज्ञात करो। तो देखिए ब्याज किस टाइप से हो गए, तो यानी कि साधारण ब्याज SI1 इक्वल टू आप SI2 लिख लीजिए, ठीक है ना। अब SI1 देखो यहाँ पर क्या, साधारण ब्याज की 3% की दर से, ठीक है ना, 1250 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज, 1400 रुपये की धनराशि के साधारण ब्याज से 45 रुपये कम है, यानी कि SI1 जो है SI2 से कितना कम है, 45 रुपये कम है। तो अभी इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, SI2 ज़्यादा है हमारा, तो यहाँ पर हम 45 रुपये जो है ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यानी कि जो आपका यहाँ पर रिमेन रहेगा, तो 45 इक्वल टू आप कितना जाएगा, ये SI2 माइनस के SI1 यहाँ पर, या फिर आप यहीं पर सॉल्व कर लीजिए इसे, ठीक है ना। तो SI2 माइनस SI1 इक्वल टू आ जाएगा ये आपका 45, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो SI2 वाली कंडीशन क्या है, 1400 रुपये क्या होता है आपका, ये पी है यानी कि धनराशि, ठीक है ना, 1400 रुपये। SI2 इक्वल टू कितना जाएगा आपका, P2R2T/100 इंटू R2 कितना आपका यहाँ पर, ये R जो है आपका यहाँ पर, ये दर जो है प्यार दोस्तों यहाँ पर ये 3 है आपकी, ठीक है ना, और T आपका यहाँ पर ये फाइंड करना है, और यहाँ पर आपका ये 100 आ जाएगा। और SI1 यानी कि SI1 क्या आपका यहाँ पर, P है 1250 इंटू 3 और इंटू T, यानी कि यहाँ पर जो आपका ये P R कितना 3% है, ठीक है ना, और T आपका यहाँ पर फाइंड करना है, तो इसीलिए आपका T इसी तरह से आ गया इक्वल टू 45, ठीक है ना। या फिर आप इस तरह से लिख लीजिए T1 T2 इक्वल टू T, ठीक है ना, ये लेट कर लीजिए आप। तो 20 से यहाँ पर देखो प्यार दोस्तों आपके 20 कैंसिल हो जाएंगे, या फिर आप इस तरह से नहीं करना चाह रहे हैं तो इसका, तो देखिए प्यार दोस्तों ये आपको पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है ना। 1442 आ जाएगा इंटू T, ठीक है, और माइनस के यहाँ पर कितना जाएगा, 3 0 3 5 15 3 6 1 7 3 3, यानी कि 3750 T इक्वल टू, अब यहाँ पर आपने LCM लिया था तो ये आपका जो है इक्वल में आ जाएगा इंटू 100, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर 4200 T में से 3750 T माइनस करोगे तो आपका जाएगा 450 T इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 45 इंटू कितना जाएगा 100, तो 0 से 1 0 कैंसिल 45, ठीक है ना, 45 यानी कि T इक्वल टू कितना जाएगा 10 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर समय फाइंड करना था, तो यहाँ पर कितना आ गया है यहाँ पर, ये समय में प्यार दोस्तों आपका यहाँ पर ये 10 वर्ष आ गया है मेरे प्यार दोस्तों, ठीक है ना।
चलिए मेरे प्यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, चलिए ठीक है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।